नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एसके रंजन, व्यापार जींस की खास खबरों के साथ। अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर में। प्याजों में कुछ तेजी आई है, इसका पड़ताल लेने के लिए आइए यहाँ जानते हैं, व्यापारियों से बात करते हैं क्या बता रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ प्याज के बारे में चर्चा करने के लिए हैं APMC के पूर्व चेयरमैन और ओनियन एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं क्या बता रहे हैं प्याज की कीमतों में तेजी क्यों। स्वागत है, धन्यवाद आपका जी। सर, कुछ दिनों के दौरान देखा जा रहा है कि प्याज में तेजी आई है, इसका कारण क्या है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों को ये बताते हो कि क्या तेजी है, क्या मंदा, और सही रिपोर्ट देते हो। प्याज में तेजी का ये कारण जो है, अब प्याज की फसलें अच्छी हैं और प्याज में रेट कम ही होने हैं, पर होता क्या है कि किसी ना किसी कारणवश, कोई ना कोई कारण ऐसा होता है कि एक दो दिन के लिए तेजी आ जाती है। तो ये जो तेजी है ये टेम्परेरी तेजी है। बाजार जो है धीरे धीरे प्याज के गिरेंगे। नई फसलें 20 तारीख से फरवरी की बहुत मात्रा में शुरू हो जाएंगी। अगर कोई ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है भी तो ये 5-10 दिन की बात है। अगर अराइवल की बात की जाए सर, तो यहाँ आजादपुर मंडी में डेली अराइवल कितनी हो रही है? देखिए, अराइवल करीबन 35-40 गाड़ी हो रही है, जो कि 60-70 गाड़ी होनी चाहिए। और इसका कारण यही है कि एक फसल सर्दी वाली ख़त्म हो गई है और गर्मी वाली 20 तारीख की बात की जाए सर, तो नीचे में रेट क्या चल रहा है और ऊपर में रेट क्या चल रहा है? 20 रुपये से लेके और यहाँ पर रेट चल रहा है 40 रुपये तक। ज़्यादातर प्याज बिक रहा है यहाँ पर 30 से 35 रुपये। और प्याज की अराइवल कहाँ से हो रही है सर? प्याज इस वक्त ज़्यादातर गुजरात से आ रहा है, थोड़ा सा MP से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है और थोड़ा सा राजस्थान से आ रहा है, 4 स्टेट से आ रहा है। तो आगे आने वाले टाइमों में आपने जैसा कि बताया कि नरमी आने की उम्मीद है, तो क्रॉप जो है पिछले जनवरी में जो बारिश हुई थी उस वजह से ख़राब बताई जा रही है सर, तो नरमी जो आएगी प्याज में वो भाव क्या आ जाएगा सर? भाव तो प्याज का यही होता है जी, 15 रुपये के अंदाज में जी। तो ये हो जाएगा इस महीने के आखिर तक, नहीं तो अगले महीने के शुरू तक 15 नहीं 20 हो जाएगा। बाज़ार तो गिरना ही है, भाव रहेगा नहीं। ये क्या कहेंगे, डिमांड बहुत बड़ी है, डिमांड में कोई दिक्कत नहीं। जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती जाती है वैसे ही प्याज की डिमांड बहुत बढ़ती जाती है। प्याज गर्मियों का भोजन है, गर्मी में लोग सलाद में और हर तरह से खुश होके खाते हैं, इसलिए यहाँ 60-70 गाड़ी रोज़ बिकती है। आजकल ये 35-40 गाड़ी आ रही है, 5-4 गाड़ी राजस्थान से आ रही हैं, तो ये सारा प्याज के बारे में अपने तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि इस पब्लिक को अब प्याज सस्ता मिलेगा अगले महीने से, मार्च से। पहले कुछ तेज भी खाया है तो वो बजट यहाँ पर उनका जाके ठीक हो जाएगा। सर, एक चीज़ मैंने नया देखा आजादपुर मंडी में, कारण कि पहले भी एक आध गाड़ियाँ जो है आती थी, ये सफ़ेद प्याज की अराइवल जो है 5-6 गाड़ियों की हो रही है, जिसका रेट जो है 800 रुपये से 1000 रुपये तक का बताया जा रहा है, तो क्या वो घरेलू उपयोग में ज़्यादा प्रचलन में नहीं है या किस वजह से उसकी डिमांड कम होती है, उसका अहमियत क्या है सफ़ेद प्याज की? हमारे यहाँ ना ज़्यादातर प्याज लाल खाई जाती है, लाल को पसंद ज़्यादा करते हैं, फिर उसके बाद पीली। सफ़ेद प्याज को हमारे यहाँ लोग कम पसंद करते हैं, साउथ इंडिया में चलती है या इसका पाउडर बनता है और एक्सपोर्ट होता है और देश में भी बिकता है पाउडर, तो सफ़ेद रंग के प्याज का पाउडर बनता है। इस बार इसकी फसल ज़्यादा है इसलिए ये मंडियों में बिकने आ रही है, वरना ये मंडियों में बिकने नहीं आती। वहाँ लाल प्याज से भी तेज बिकती है और जो पाउडर बनाते हैं और जो उसका फ्लेक्स वगैरह बनाते हैं वो इसे खरीद के ले जाते हैं, तो इस बार आ रही है और लोग क्योंकि इसे कम खरीदते हैं घरों में खाने के लिए, इसलिए इसका रेट कम है। शर्मा जी, दिल्ली बाज़ार से बात करने के लिए और प्याज के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी, जो पब्लिक को इतनी जानकारी। केवल कपूर, आप प्याज व्यापारी हैं, आड़ती हैं? मेरी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स जी। अभी कुछ दिनों के दौरान देखा गया कि प्याज में तेजी आई है सर? तेजी नहीं जी, परसों मंदा था, आज तेजी आई है। ये तेजी इस कारण है कि जो जनवरी में बरसात आई थी ना नासिक के अंदर जी, वो फसल ख़राब होने के कारण तेजी आई है। तो अभी अगर बात की जाए अराइवल की, तो यहाँ आजादपुर मंडी में अराइवल कितनी हो रही है? गुजरात की ज़्यादा है, लोकल यहाँ अलवर ख़त्म होने के कारण बाज़ार में कुछ तेजी है।
और क्वालिटी वाइज बात की जाए रेट की, तो यहाँ रेट क्या चल रहे हैं प्याज के? देखो जी, जो नासिक है वो आज बिका 1400-1500 रुपये 40 किलो जी, और बाकी जो गुजरात है वो 1100 से लेकर 1300 रुपये, और जो अलवर का माल है वो बिका 900 से 1100 रुपये 40 किलो। कुछ और व्यापारियों से बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या राय है, कब तक जो है नरमी आने की उम्मीद है। हमारा ई फर्म का नाम है बिंदा भाई बल्ला एंड कंपनी। देखा गया कि प्याज की कीमतों में तेजी आई है सर, कारण क्या है? प्याज में तेजी आने का कारण यह है कि जनवरी में जो अभी बारिश हुई थी 20 दिन पहले, उस बारिश से थोड़ा फिर नुकसान हुआ प्याज में, और हल्का सा गैप आ गया है, लेकिन 10-15 दिन का गेम है, उसके एक महीने बाद तो पूरे इंडिया में प्याज ही प्याज हो जाएगी, कोई ये तेज़ी लंबी नहीं चलने वाली है। नेक्स्ट मंथ प्याज की क्रॉप बहुत बढ़ जाएगी तो भाव वहीं नीचे आ जाएंगे, मार्च में तो बहुत नीचे आ जाएंगे। यहाँ आजादपुर मंडी में अराइवल कितनी हो रही है? गाड़ी रोज होती है और इतनी गाड़ी रोज बिक जाती है। अगर रेट की बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम और अधिकतम रेट क्या चल रहा है सर? न्यूनतम रेट यहाँ पर है जी 26-27 रुपये किलो, और मैक्सिमम रेट है, देख सकते हैं ये आजादपुर मंडी में सफेद कीमतों में तेजी आई है, इस वजह से उतरा है या रेगुलर इसकी अराइवल होती है, क्या भाव इसका चल रहा है, आइए बात करते हैं। आप जो है जबकि अमूमन बहुत कम दिखता है, अभी 3-4 जगहों पर जो है मैंने देखा है इसकी अराइवल जो है हो रही है, तो ये इस प्याज के बारे में आप क्या बताएंगे? सफ़ेद प्याज ये थोड़ा सा ये रेट कम बिक रहा है, गुजरात का प्याज है ये इसको ग्राहक पहले उठा रहा है, वो उसके भाव तेज है। क्या चल रहा है यहाँ? ये बिकी आज बिकी 800 रुपये 800 रुपये मन। आजादपुर मंडी में घूमते घूमते एक राजस्थान के किसान मिले, आइए उनसे जानते हैं प्याज के बारे में, वो क्या बता रहे हैं, कैसी है स्टॉक क्या है, और वहाँ प्याज क्या भाव बिक रहा है, और यहाँ जो आजादपुर मंडी में लाकर के प्याज बेच रहे हैं इसका क्या भाव मिल रहा है? अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम ओरमल है, जिला अलवर, रामगढ़ तहसील, गांव बूजा का है। आजादपुर मंडी में आप कैसे आए? हम यहाँ प्याज बेचने के लिए आए थे जी, यहाँ हमको सुविधा पड़ती है। प्याज की फसल वहाँ राजस्थान में कैसी है? वहाँ बहुत कम होगी, कम से कम करीब 10% भी नहीं रही, माल से काफी माल चला है, बिक गया। तो वहाँ भाव क्या चल रहा है? वहाँ तो करीब किसान यही बेचते हैं कि अलवर की मंडी में 700-800 बस। जो आप आजादपुर मंडी में प्याज लेकर के आए, यहाँ क्या भाव बिक रहा है? यहाँ मेरा प्याज बिका 1230 रुपया मैडम।